हेलो दोस्तों, मिटियोर गार्डन के बाकी पिछले एपिसोड जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड 6। सनशाई और चैन चिंग F4 के क्लब में जाते हैं और वहाँ शीमैन उन्हें गेम्स के रूल बताता है और चैन चिंग दावन शी से बैट लगाने को कहता है, तो वो मान जाता है। अब स्टार्ट होता है गेम। सनशाई बहुत जल्दी अपनी डिफीट एडमिट कर लेती है और दामिनशी से पूछती है कि उसे ऐसा पनिशमेंट क्या करना होगा। तो मेइजो और शीमैन चैन चिंग को क्लब से बाहर ले जाते हैं। तब दामिनशी सनशाई से कहता है कि वो उसे डिनर पर लेकर जाए। उसी रात दामिनशी सनशाई को मैसेज करता है और मिलने का टाइम और प्लेस बताता है। मैसेज के बाद से सनशाई परेशान हो जाती है और नहीं जाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे सनशाई अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर जाती है। जब बारिश होना स्टार्ट हो जाती है तो वो दामिनशी के लिए चिंता करने लगती है और फिर उससे मिलने जाती है। जब सनशाई दामिनशी से मिलती है तो उससे पूछती है कि वो बारिश में क्यों खड़ा है। दामिनशी कुछ नहीं कहता और सनशाई को हक कर लेता है। फिर कहता है कि तुम इतना लेट कैसे हो गई, मैं तुम्हारा 3 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ। सनशाई कहती है कि मैंने नहीं कहा था कि मैं आऊंगी। दामिनशी कहता है कि तुम गेम हार गई थी इसलिए तुम डिसाइड नहीं कर सकती। देन वो दोनों लंच के लिए जाते हैं। सनशाई कई सारी प्लेसेस चेक करती है चीप फूड की, पर सभी शॉप्स बंद हो चुकी हैं। फिर वो दूसरी जगह जाते हैं जिसके लिए उन्हें एलिवेटर लेनी पड़ती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि वो एलिवेटर खराब है, पर अब वो बहुत लेट हो चुके हैं। उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो किसी की भी हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि उन दोनों के फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी है। अब बस उनके पास एक ही चॉइस है कि उन्हें वेट करना पड़ेगा। सनशाई को लगता है कि दामिनशी उसे किस करने वाला है, पर एक्चुअली में वो गिर पड़ता है। सनशाई उसका फॉरहेड चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसे फीवर है। फिर सनशाई उसका सर अपनी लैप पर रख लेती है और अपने कोट को दामिनशी पर डाल देती है। वो दोनों वहीं सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब जागते हैं तो दामिनशी सनशाई को सॉरी बोलता है क्योंकि ये जो हुआ उसमें उसका फॉल्ट है। देन दामिनशी सनशाई को बताता है कि उसने अपनी मॉम को लास्ट 2 ईयर्स से नहीं देखा क्योंकि वो लंदन में वर्क करती है और उसके डैड की डेथ हो चुकी है। सनशाई दामिनशी से पूछती है कि उसे बहुत लोनली फील होता होगा क्योंकि वो इतने बड़े घर में अकेला रहता है। दामिनशी उससे इस बारे में बात करने से मना कर देता है। देन सनशाई मानती है कि सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई है और वो दामिनशी से पूछती है कि उसे इसके लिए क्या करना होगा। तो दामिनशी इस बार सच में उसे किस करने वाला होता है, पर लास्ट सेकंड में वहां एलिवेटर को सही करने वाले वर्कर्स आ जाते हैं और वो एलिवेटर खोल देते हैं जिससे सनशाई वहां से भागकर चली जाती है। सनशाई के पेरेंट्स सनशाई की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को लिखवा रहे होते हैं। तभी सनशाई घर वापस आ जाती है। उसकी मॉम तो उसे मारना ही स्टार्ट कर देती है कि वो सारी रात से कहाँ थी। सनशाई बताती है कि वो एलिवेटर में फंस गई थी और उसका फोन भी टूट चुका था इसलिए वो उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाई। सनशाई के पेरेंट्स उसकी प्रॉब्लम समझते हैं और सनशाई की मॉम उसे अपना फोन यूज करने देती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में लीजेन और चैन सिंह सनशाई के लिए परेशान होते हैं कि दामिनशी ने उसे क्या पनिशमेंट दी होगी, पर उन्हें सनशाई से पूछने का चांस नहीं मिलता जब तक क्लास एंड नहीं होती। क्लास एंड होने के बाद वहां दामिनशी आता है सनशाई को उसका कोट वापस देने, पर सनशाई उसे वापस लेने में हेजिटेट होती है तो दामिनशी कोट को सनशाई की नेक के चारों तरफ डालकर चला जाता है और उनकी डेटिंग के रूमर्स पूरे कॉलेज में फैल जाते हैं। जियांग बाई और लीशिन डिसाइड करती है सनशाई और लीजेन की फ्रेंड बनने का और उन्हें गर्ल्स पार्टी नाइट के लिए इन्वाइट करती है। उसी रात वो चारों गर्ल्स नाइट क्लब जाती हैं। वहां लीशिन सनशाई से कहती है कि सनशाई दामिनशी को डेट कर रही है। सनशाई उन्हें समझाती है और कहती है कि दामिनशी उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर सनशाई ड्रिंक करने की वजह से ड्रंक हो जाती है तो वो क्लब में इधर उधर घूमने लगती है और पियानो के पास जाती है जो उस पियानो को बजा रहा था जिसका नाम थॉमस है। सनशाई उसे हुआ जले ही समझती है और उसे आई लाइक यू बोलती है और उसके शोल्डर पर सर रखकर उसके पास बैठ जाती है और वहीं सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सनशाई जब जागती है तो वो खुद को होटल के रूम में देखती है और वहां थॉमस का नोट लिखा हुआ रखा है कि जब वो जाग जाए तो उसे कॉल करे, पर सनशाई ऐसा नहीं करती और कॉलेज पहुंचती है।
कॉलेज में सनशाई को थॉमस का कॉल आता है, पर जब सनशाई दामिशी को देखती है तो वो फोन कट कर देती है। दामिशी सनशाई को न्यू कोट देता है जिससे सनशाई बहुत सरप्राइज होती है। देन वो अपनी क्लास अटेंड करने चली जाती है। क्लास के बाद सनशाई को थॉमस का कॉल आता है और वो बताता है कि वो उससे मिलने मिंगडे यूनिवर्सिटी आया है। और एपिसोड 6 एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आप आने वाले ड्रामास की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें।